Okay, so today on Balcony Ticket, we have Manav Kaul with us. Manav, you're a playwright, an actor, a director, a writer, an author. Is there any other secret talent of yours that we do not know yet? I paint also sometimes. So we're going to talk about too many things, but let's begin with the most recent development. अभी हाल ही में आपने किताब लिखी है, चलता फिरता प्रेत. So थोड़ा उसके बारे में बताइए. So चलता फिरता प्रेत, चलता फिरता प्रेत में कुछ 7 कहानियां हैं, 7 stories. And out of which, मतलब 7 मैंने 4 कहानियां लिखी हैं when I was traveling all over Europe, where I wrote बहुत दूर कितना दूर होता है, मैं first traveler. So I was writing 4 stories around when I was traveling and also writing my travelogue. And एक कहानी मैंने कोरिया में लिखी थी long back in 2011. When I was in writing residency in Korea. And और बाकी सब death के आसपास की और चीजों की कहानियां हैं. So it's a collection of recent and some old writing. Excited हूँ because it's a very interesting, because I love to experiment. I do experimental theater, I do experimental film as a director writer. This is my very interesting new experiment with short story format. I hope people are going to react to that. All the best for that. Good luck with Thank that. Thank you. Thank you so much, dost. So, आपकी मैंने काफी writings follow की है and बहुत admire करता हूँ आपकी writings को. आपकी writings में कहीं ना कहीं बहुत references होते हैं. जैसे आपकी writings में आप काफ्का का बार बार बात करते हैं, मुराकामी की बात करते हैं, जॉन पॉल सार्ट्रे की बात करते हैं, दस्तोवस्की की बात करते हैं. एंड कहीं ना कहीं ये सब राइटर्स में एक existentialism था, एक misfit रहे हैं, थोड़ा एक suffering की बात रही है. तो क्या कारण है, वो किस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है या आपकी राइटिंग को इम्पैक्ट करता है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आपके जीवन में आपके हीरोज होते हैं. मेरे जीवन में हमेशा मेरे हीरोज राइटर्स रहे हैं. आई डोंट नो समहाउ बहुत ही ज्यादा अर्ली टाइम से मेरे को राइटर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे. और मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखता हूँ जो प्लान लिखता हूँ या मेरे लाइफ में, मेरे राइटिंग में देयर इज नो स्ट्रक्चर व्हिच आई फॉलो. कोई पैटर्न नहीं है या कोई ऐसा भी नहीं है कि आई थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट ओ आई एम गोइंग टू राइट अबाउट दिस सब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस कुछ एक बात चलती है एंड आई स्टार्ट राइटिंग एंड दैट दोस वर्ड्स दोस लाइंस वो डिक्टेट करते हैं एंड देन यू नो स्टोरी अनफोल्ड्स. तो उसमें अगर काफ्का एंटर करता है तो मैं काफ्का को आने देता हूँ, मैं रोकता नहीं हूँ. उसमें अगर दोस्तोवस्की एंटर करता है बिकॉज एक समय क्राइम एंड पनिशमेंट रस्कोलनिकोव मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था. बिकॉज कोई भी आप आर्ट जैसे कोई आप फिल्म देखते हो या कोई आप किताब पढ़ते हो उसका बहुत असर होता है आपके ऊपर. और मुझ पर करीब महीने महीने भर किताब का असर रहता है. जैसे मैंने जब सबसे पहली बार कामू की आउटसाइडर पढ़ी थी कुछ मैं महीने दो महीने उसके असर में घूम रहा था एंड आई कॉन्ट बिलीव इट कि कोई इतना कोल्ड लिख सकता. एंड मैंने कोल्ड राइटिंग उसके पहले डिस्कवर नहीं की थी. देन आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग अदर राइटर्स लाइक सॉल बेलो एंड जे एम कोइची. तो वो भी मेरी राइटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, मेरा राइटिंग का पार्ट. तो वो ये सब मेरे हीरोज हैं और मैं उनको बिना डिस्कस की कैसे. ऑफकोर्स एग्जिस्टेंशियलिज्म बिकॉज हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी राइटिंग मैंने पढ़ी है एक्सेप्ट निर्मल वर्मा और सम अदर राइटर्स भी जो थोड़ा सा इस थीम को बहुत फॉलो करते हैं. हमारे यहाँ फिल्में उस तरीके से नहीं बनती हैं जो एग्जिस्टेंशियलिज्म को फॉलो करें या कुछ उस पर बात करें. तो आपके लिए हमेशा वो एक एक वर्ल्ड रहता है जो खाली रहता है या प्यासा रहता है. आपको कहीं भी वो चीज़ मिलती है तो आप उसको ग्रैब करते हो. तो सो ये वाले राइटर मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते रहे हैं और बस. तो मेरी राइटिंग का भी हिस्सा है बहुत अच्छे से. जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि ट्रैवलिंग के वक्त आपने काफी राइटिंग की है एंड आपकी बुक की डेवलपमेंट वहां से हुई है, तो ट्रैवलिंग और राइटिंग का क्या कनेक्शन? क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने ट्रैवल अकेले किए हैं. मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लोर करने में और मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो और आपका उस ट्रैवलिंग के साथ एक आर्टिस्टिक डायलॉग नहीं है सो मुझे नहीं पता आप तो बड़ा कठिन हो जाता है फिर ट्रैवल अकेले. इफ देयर इज नो आर्टिस्टिक डायलॉग गोइंग ऑन बिटवीन सो आइदर यू आर अ पेंटर और यू आर अ फोटोग्राफर और समथिंग टू डू विद टू इंटरप्रेट व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज दिस टू मच ऑफ लाइक थिक लोनलीनेस यू आर डीलिंग विद. और उसके उस हर चीज के रिएक्शन भी बहुत हैं. मतलब वट एवर यू सी वट एवर यू द काइंड ऑफ पीपल यू मीट द काइंड ऑफ फूड यू ईट सो एवरीथिंग हैज चेंज्ड. लाइक स्पेशली जो मैं तो बहुत स्मॉल टाउन फ्रांस में घूम रहा था तो एवरीथिंग हैज चेंज्ड. लाइक फूड टू टच टू फील टू सी एवरी मतलब सेंसरी आपके जितने भी वो हैं वो सब चेंज हो गए थे. तो उस सबका असर होता है.
और मेरे लिए राइटिंग एक सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ मैं किसी कैफे में बैठ के बहुत देर तक कॉफी पी सकता हूँ, किसी बार में बैठ के बहुत देर तक बियर पी सकता हूँ, आई कैन स्मोक अ सिगरेट विद माई फ्रेंड. सो इट्स नॉट राइटिंग इज नॉट माई जॉब एट ऑल, इट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स माई बेस्ट फ्रेंड. So I was discussing everything and whatever I was discussing, I was writing it. So that's why the travelogue is there. And I was actually cribbing about my short stories also to my friend in my travelogue. So it's everything was going on simultaneously. So aisa kuch bhi nahi hai ki main kuch chupa raha tha ya kuch nahi likh raha tha. So isliye travelogue shayad meri writing ka ek one of the most honest attempt hai, because jo bhi kuch ho raha tha maine usme kuch bhi aisa kuch kaata nahi hai ya usko manipulate nahi kiya hai ya. अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो मैंने लिखा है कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ. अगर मैं अकेला फील कर रहा हूँ तो मैंने लिखा है कि मैं आज मैं बहुत बहुत अकेला फील कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है कि अकेला ट्रैवल करना बहुत आसान है, बट एक पक्ष पे बहुत मजेदार है और एक पक्ष पे कठिन तो हर चीज है इस दुनिया में. एक और कनेक्शन बिठाया जाता है क्रिएटिविटी और लोनलीनेस और सफरिंग का, कि बोला जाता है कि जहाँ दर्द होता है वहाँ पे कविता आती है, वहाँ पे क्रिएटिविटी उभरती है. तो हाउ डू यू सी दैट? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं, मतलब मुझे लगता था, पहले ऐसा लगता था जब मैं when I was young, I was writing, और जो मेरे ब्रेकअप्स हो रहे थे at that time I was writing, तो I thought that oh because of you know all the suffering I'm going through, or someone very close किसी की डेथ होती है तो you know you have changed. बट मुझे लगता है ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा झूठ था जो मेरे को लेटर समझ में आया. मुझे समझ में आया कि पहले जैसे मुझे लगता था कि आप जो जी रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो जैसे मैं नाटक करता था और एक बहुत छोटी सी चौल में रहता था बॉम्बे में, तो मैं पृथ्वी थिएटर में नाटक करता था और बाद में ऐसी छोटी चौल में जाके जाता था. लेकिन मुझे लगता था कि मैं कहाँ जाता हूँ उससे लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए, मैं क्या करता हूँ नाटक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट. ऑफकोर्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मुझे लगा कि आर्ट कभी भी, या आपकी राइटिंग या आपकी पेंटिंग या जो भी कुछ आप करते हैं लाइफ में, वो कभी भी कोई अलग चीज नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में. वो It has to be a byproduct of the kind of life you are living. So, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश लाइफ जीता हूँ और ये मेरी पूरी राइटिंग उसका byproduct है. तो ऐसा वो दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लेटर डिस्कवर हुआ कि, और आप जितना अच्छा जिएंगे उतना अच्छा लिखेंगे. तो मैंने अपने सबसे पहले अपने जीवन को ठीक किया, मैंने अपने जीए को ठीक किया, उसके बाद मेरी राइटिंग पे उसका बहुत ज्यादा असर हुआ है. मेरी राइटिंग में अगर मैं सफरिंग भी लिखता हूँ तो सफरिंग का सेलिब्रेशन है वो, इट्स नॉट सफरिंग दैट आई एम नॉट सफरिंग, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग अबाउट सफरिंग. सो मोस्ट ऑफ द राइटर्स आपने देखे होंगे जो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज नहीं थे, हरिशंकर परसाई से लेके जो बहुत ही ज्यादा नीचे, वो एक्चुअली उन्होंने सबसे ज्यादा हास्य लिखा है, उसने सबसे ज्यादा व्यंग लिखा है, यू नो सटायर एंड ह्यूमर दे हैव रिटन. और उनकी लाइफ बहुत टफ थी, जबकि जो लोग प्रिविलेज थे जिन्होंने बहुत सुंदर जीवन अपना जिया है था, उन्होंने सबसे ज्यादा ट्रेजेडीज लिखी हैं. बट इसका मतलब नहीं उनकी लाइफ ट्रेजेडी थी, बिकॉज यू सीक व्हाट यू डोंट हैव. एंड ऑल्सो सिमिलरली जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं या न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, लंडन में रह रहे हैं, दे राइट अमेजिंग स्टफ अबाउट इंडिया बिकॉज दे मिस इट. बट इंडियन राइटर्स उतना अच्छा इंडिया में नहीं लिखते, लाइक अमिताभ घोष इज राइटिंग स्टनिंग स्टोरीज. So sometimes you have to understand that you have to be a little far away from the problem itself, because there is actually, you are creating it. Because end of the day, I'm writing fiction. I'm not writing anything biographical, you know. Self doubt होता है आपको, क्योंकि आप जैसे काफ्का की बात कर रहे थे, मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि काफ्का अपनी सारी बुक्स जलाना चाहते थे, एंड काफी राइटर्स ने ऐसा किया कि वो अपनी राइटिंग्स को वापस रिविजिट नहीं करना चाहते. सेल्फ डाउट नहीं होता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से हर एक आदमी जो अपने क्रिएटिव प्रोसेस में रहता है, मुझे ऐसा लगता है, आई कैन ऑलवेज अज्यूम, बट मेरे साथ जो होता है कि आपको आपका काम, जो आपने पुराना काम किया वो कुछ देता नहीं, मतलब ना सेटिस्फेक्शन देता है, कुछ नहीं देता है. मतलब वो एक ऐसा काम है जो हो चुका है, एंड पास्ट इज डेड, इट डजंट वर्क. सी आइदर, जैसे मैं अभी एक नॉवल लिख रहा हूँ, इस समय मैं उसको जी रहा हूँ, लिख रहा हूँ, एक्साइटमेंट उसी के बारे में बात करता हूँ, सब कुछ उसी के बारे में. बट इफ यू टॉक टू मी अबाउट चलता फिरता प्रेत, मुझे लगता है कि मैं ऐसी चीज की बात करूँ जो मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त था जो अब नहीं है मेरे साथ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. सो एक्चुअली चलता फिरता प्रेत भी जब किताब मेरे पास आई, ऑफकोर्स दैट टाइम इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट. बट आफ्टर दैट जब आप उसको खोलते हो, आपको लगता नहीं है आपने लिखा है, बिकॉज वो, तो मेरे ख्याल से वो जो हम बोलते हैं जला दो, या फिर मैं जैसे कॉपी लेफ्ट की बात करता हूँ अपने राइटिंग में, कि आई एम कॉपी लेफ्ट पर्सन, उसका मेन कारण ये है कि मुझे लगता नहीं है कि मैंने लिखा है, मुझे लगता नहीं है कि इस पर मेरा अधिकार है, या मुझे लगता नहीं है कि, तो
मैं अपनी कहानियों में मैंने कई जगह लिखा है कि मैंने जितना भी लिखा है उसको जला देना चाहता बिकॉज इट डजंट वर्क. आप उसको यू कांट होल्ड ऑन टू योर ओन राइटिंग. इट डजंट गिव यू एनीथिंग. तो वो एक तरीके का बिट्रेल लगता है आपको अपनी राइटिंग से जिसको आपने इतना अच्छे से दिया और आपको लगता है कि आप बिट्रे कर रहे हो. सो द रिलेशनशिप बिटवीन विथ योर ओन राइटिंग इज सो कॉम्प्लेक्स दैट आपको लगता है आपको लगता है कोई और आदमी लिख के गया और आपने बस आप उसका क्रेडिट ले रहे हो. तो अभी जब भी मैं राइटिंग के बारे में अपनी बात करता हूँ किसी से तो मुझे लगता है कि मैं किसी और का क्रेडिट ले रहा हूँ जो मैं हूँ नहीं. तो मुझे अजीब ही लगता है. तो आपके अब एक्टिंग के बारे में बात करते हैं कि एक्टिंग का स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ, वो शौक कहाँ से पड़ा और ये बॉम्बे ड्रीम जो होता है सिनेमा में आने का उसकी शुरुआत कहाँ से हुई. मैं होशंगाबाद में पला बड़ा हूँ, पैदाइश कश्मीर की है और होशंगाबाद एक स्मॉल टाउन है. तो वहाँ पे जब आप रहते हो तो चूंकि मैं बहुत काम करता था, मतलब मैंने डांस क्लास खोली थी, मैं ब्रेक डांस सिखाता था, मैं गोली बिस्कुट की दुकान खोली थी, मैंने प्रदर्श लाइब्रेरी खोली थी, मैंने पतंग की दुकान खोली थी, मैंने बहुत काम किए हैं मतलब. और मैंने फैशन शो करवाया है और काफ़ी गालियाँ भी खाई हैं लोगों की जब आप एक छोटे से शहर में अचानक एंड दैट टाइम यू नो 92-93 में शायद आप फैशन शो करवा दोगे जिसके बारे में किसी को पता नहीं है और जस्ट मैंने कहा मैं करूंगा, मैं फैशन शो करना चाहता हूँ. ये होशंगाबाद की बात है. तो मुझे अब इन रेट्रोस्पेक्ट पता लगता है कि शायद वो एक तड़प थी कि वहां से निकलने की एंड टू जस्ट गो आउट एंड डू समथिंग. और मुझे हमेशा से ही जरा हटके जरा बच के बॉम्बे मेरी जान ये गाना बहुत पसंद था. मैं उसको रिपीट पसंद होता था पूरा बचपन. पता नहीं क्यों एक अट्रैक्शन था उस गाने से, उसके लिरिक्स से. तो मुझे हमेशा लगता था, मैं अपनी माँ से कहता था कि मैं एक दिन बॉम्बे जरूर जाऊँगा और जब जाऊँगा तो वहाँ से निकलूँगा. लकीली वो दिमाग में बैठ गई बात और मैं बॉम्बे के सपने देखने लगा. फिर उसके बाद मैंने तय किया कि एक्चुअली वहाँ जाके करूँगा. देन मुझे समझ में आया कि एक्टिंग इज द ओनली थिंग आई कैन डू आई गेस. तो मैंने थिएटर शुरू किया और सब शुरू किया भोपाल से और वहाँ से फिर मैं 98 में बॉम्बे आया. कुछ समय थोड़ी बहुत एक्टिंग की और फिर थिएटर में मजा आने लगा तो थिएटर करने लगा. बहुत आपने शुरुआत फिल्मों से की थी बट उसके बाद शायद आपने एक ब्रेक लिया था, एक फिल्मों से ब्रेक लिया था, उसके बाद आपने राइटिंग पे फोकस किया था और काफी अलग चीजें एक्सप्लोर की थी. तो थोड़ा उसके पीछे क्या कारण था. उसके पीछे कारण था मैं बोर, मैं शायद बतौर एक्टर रेडी भी नहीं था और मेरे पास उतना अच्छा काम भी नहीं आ रहा था और मैं उतना काम एंजॉय भी नहीं कर रहा जो भी काम मेरे पास आ रहा था. और मुझे लगा कि मैं या तो मैं किसी और का जो फ्यूचर शायद बन सकता है मैं उसकी जगह घेर रहा हूँ और जबकि मेरा मन भी नहीं है यहाँ. तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूँ. और रादर देन मैं थोड़ा आइडियलिस्टिक हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ. तो मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी 2002 में, आई गेस 2002-2003 में मैंने थिएटर से भी एक्टिंग छोड़ दी थी, सबसे एक्टिंग छोड़ दी थी. एंड देन मैं खुद देखना चाहता था कि व्हाट आई रियली वांट टू डू राइट नाउ बिकॉज जो भी काम कर रहा था मुझे लग रहा था ये तो नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ. मैं स्टेज पर एक्टिंग भी कर रहा था और मुझे लग रहा था कि इतना खराब नाटक क्यों कर रहा हूँ. तो फिर मैंने सब छोड़ दिया और पहला नाटक लिखा और फिर उसके बाद जब कुछ 12-1 साल बाद मैंने कायपो से फिल्म की और अचानक मुझे मजा आने लगा एक्टिंग में और मुझे लगा कि अरे ये तो और इंडस्ट्री भी बहुत चेंज हो गई थी. लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, टुवर्ड्स क्राफ्ट, टुवर्ड्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ज्यादा बदला था जो मैंने पहले जो फिल्में की थी और अब जो कर रहा था. तो मुझे लगा ये बहुत सुंदर समय है बतौर अभिनेता इस इंडस्ट्री का पार्ट होने. देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ और धीरे धीरे काम करने लगा मैं. पूछे कई महीनों में आपका कमबैक थी तो फिर थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपने वो रोल क्यों पिक किया एंड वो मैंने नहीं पिक किया. मुझे किसी ने बोला एक स्क्रिप्ट है, मैंने स्क्रिप्ट देखी मुझे बड़ी अच्छी लगी. गट्टू फिल्म बना रहा था उनको उस समय कोई पर्टिकुलर एक्टर नहीं मिल रहा था उस रोल के लिए और मैंने कहा कि मैं ऑडिशन देने को तैयार हूँ. मैंने गया, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ जैसा एक प्रोसेस. और मैं आज तक ऑडिशन देके ही काम लेना अच्छा लगता है मुझे. मैंने तुम्हारी सुलू का भी ऑडिशन दिया था, मैंने हर चीज़ का ऑडिशन दिया. मुझे ऑडिशन ये मुझे प्रोसेस डेमोक्रेटिक और बहुत अच्छा लगता है कि डायरेक्टर का पूरा हक है कि वो ऑडिशन ले, कई बार ठोक बजा के देखे कि यही वो कैरेक्टर है जो वो देखना चाहता है. और एज एन एक्टर आपका भी एक डायरेक्टर के साथ सेम पेज पे आना जरूरी है. तो आप दोनों मिलके ट्राई करते हो चीज़ें और ऑडिशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे तो वैसे हुआ, कायपोचे का ऑडिशन दिया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बुलाया, फिर हम मेरी और गट्टू की कुछ थोड़ी बहुत हमने एक दो दिन की बात की और आई स्टार्टेड शूटिंग. मेरे की आपके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी एक्साइटिंग लग रहे हैं. सो यू हैव साइना नेहवाल बायोपिक,
साइन अनेवाल बायोपिक अमेज़न की सीरीज है गवर्नमेंट जो हमने लास्ट ईयर शूट की थी विच इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव डन टिल नाउ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट सो वो शायद जल्दी आने वाला है अमेज़न पे दैट इज गोइंग टू बी नाइस आई हैव डन वन शॉर्ट स्टोरी विद धर्मा द अदर्स करके वो भी शायद बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है एंड आई हैव डन अ फिल्म विद सुभाष कपूर तो वो भी बहुत बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा मुझे लगता है कि कपूर साहब ने बहुत सुंदर फिल्म बनाई है तो लेट्स होप कि वो भी शायद जल्दी आने वाला है आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन किस में मिलता है हर काम में जो करता हूं मेरा एक भी ऐसा काम मैंने बहुत ही कम हुए एक आध वो अभिनय में कुछ मैंने एक आध दो गलत काम किए होंगे लेकिन मैंने आज तक कोई नाटक अपना जो लिखा एक भी चीज मैंने ऐसी नहीं की है जो मुझे लगता है कि इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला मैं उसको शिद्दत तक 110% अपनी पूरी मेहनत अपनी पूरी लिमिटेशन के साथ और पूरे एरोगेंस के साथ वो करता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है मुझे उस काम का एरोगेंस बहुत अच्छा लगता है मुझे हर चीज का एक एक पूरी तरह डूबना और डूब के खत्म हो जाना मुझे बहुत पसंद है तो जब जब भी कोई काम खत्म होता है मैं जैसे मैं एक्टिंग जब कोई काम प्रोजेक्ट खत्म होता है तो मैं ट्रैवल पे जाता हूँ जब मैं राइटिंग खत्म करता हूँ तो मैं एक अच्छी चाय बनाता हूँ तो मुझे मेरे रिचुअल्स हैं टू सेलिब्रेट एवरीथिंग एंड आई थिंक there's no other way to do things मतलब अगर आप कम्प्लीटली 100% अपने आप को बर्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो हर काम खराब है आपके लिए हर काम पीला है earlier in the interview you mentioned that audience is dead to you so वो प्रॉपर एक्सप्लेन करें why do you think that audience is dead to you because the problem is every time you do your work you have the मतलब कैसे आप शुरू करते हो काम मतलब कोई भी नया एक ब्लैंक पेज पे आप जब लिखना चालू करते हो या डायरेक्ट करना चालू करते हो हाउ यू स्टार्ट इट फर्स्ट थिंग व्हाट कम्स इन योर हेड शुड बी द सबकॉन्शियस व्हाटएवर थिंग्स दैट जो मेरे को लगता है जो मेरे को डिस्टर्ब करते हैं लाइक पार्क मेरा एक नाटक है जो बहुत हिलेरियस नाटक है बट एक्चुअली वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस से आया बिकॉज आई वॉज वेरी डिस्टर्ब विद द होल आइडिया ऑफ स्पेस एंड पीपल आर किलिंग ईच अदर फॉर स्पेस एंड वॉर एंड एवरीथिंग प्रॉब्लम इज मैं कुछ और लिख रहा था और बिकॉज वो सबकॉन्शियस में था तो आया बट वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वो लिख रहा था क्योंकि ऑडियंस मेरे दिमाग में थी कि ओ ऑन दिस जोक पीपल गोना लाफ और पीपल वांट लाइक आजकल लोगों को ये पसंद आता है बिकॉज क्या होगा ना फिर बेसिकली यू आर अ काइंड ऑफ अ टूल जिसको ऑडियंस डिक्टेट कर रही है या लोग डिक्टेट कर रहे हैं और भीड़ डिक्टेट कर रही है इवेंचुअली यू विल एंड अप डूइंग ऑल द कॉमेडीज एंड यू नो एक तरीके का काम करते रहोगे बिकॉज ऑडियंस को एक तरीके का एंटरटेनमेंट चाहिए इफ यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट टू डू समथिंग एल्स द फर्स्ट थिंग इज वॉट एक्चुअली डिस्टर्ब्स यू एंड इसलिए ऑडियंस को मैटर ही नहीं करती है जैसे एक उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तोवस्की ने जब क्राइम एंड पनिशमेंट लिखा था तो उसने अपने बाप को दिया पढ़ने तो उसके बाप ने क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा तो सब अरे ये तो मैं भी लिख सकता हूँ सब अपने अगल बगल के लोग बट द आइडिया इज इट वॉज सो पर्सनल दैट इट बिकेम यूनिवर्सल तो आइडिया इज यू हैव टू अंडरस्टैंड तुमको क्या चीज एक है जो कोर में आपको हिला रही है और आपको वो एक्सप्रेस करनी है वेदर वो छपे ना छपे उसका नाटक हो कि फिल्म बने ना बने यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ बीइंग वन विथ योर राइटिंग और योर एनी आर्ट अलाउ मी टू बी लिटिल मोर एनालिटिकल एंड आपके राइटिंग्स में मैंने एक बात देखी है कि इट्स नॉट प्रिस्क्रिप्टिव इट्स रादर मोर रिफ्लेक्टिव कि आप एब्सोल्युटली नहीं बोलते कि चलो यही करना है या यही सच है वो तो सच में मुझे नहीं पता है तो जो पता नहीं है तो मैं लिख देता हूँ कि ये आपको कैसे पता कि मतलब फिलोसफिकली अगर मौका देखा जाए तो हम लोग सब इंफॉर्मेशन का मशीन है ना हम कंप्यूटर एवरीथिंग हैज बीन इन्फॉर्म्ड एंड इट्स इन आवर हेड तो जैसे हम जंगल जाके अगर शेर को देखते हैं तो शायद हम मतलब हम शेर को देख सकते हैं क्या मुझे नहीं लगता हम शेर को देख सकते हैं हमारे पास वो आंख ही नहीं उस शेर को तो नहीं देख सकते जो सामने आ रहा है हम अपने इन्फॉर्मेशन के शेर को देखेंगे जो हमको शेर के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है तो आइदर हम उनको मार देंगे या भाग बट हम उस शेर को कभी नहीं देख पाएंगे जो सामने आए सो आइडिया है कि हमारे पास वो आई नहीं है कि हम पहली बार किसी चीज को देख पाए तो मेरे हमेशा डाउट आता है कि जब मैं किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा कंफर्म तरीके से कहता हूँ तो मुझे लगता है गलत है क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हमेशा पहला कदम नहीं पता की तरफ भागता है और मुझे वो ज्यादा ईमानदार लगता है कि मुझे नहीं पता जैसे मैं बोलता हूँ मैं एथिस्ट हूँ मुझे जानता हूँ मैं एथिस्ट हूँ बट उस एथिज्म में भी मुझे नहीं पता बट ऑफकोर्स मैं रिलीजियस नहीं हूं ये मुझे 100% पता बट मैं एथिस्ट हूं
ये मुझे पता है कि ये जो इसकी जो आसपास की चीज है वो मेरे से थोड़ा सा मेरे को थोड़ा कंफर्ट रखती है कि हाँ हाँ हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, एंड वट एवर वी आर सीइंग, वट एवर आई सी, लाइक अभी बारिश हो रही है, बड़ी सुंदर बारिश हो रही है और मुझे बहुत पसंद, बहुत अच्छी लग रही है। इस समय मैं चाय बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, एंड दैट इज वट आई लव। इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। I'll let you have your chai in peace. But thank you, Manav. Thank you for joining us. And thank you so much. Shared a lot of your insights and experiences. I really look forward to all your projects. So, thank you. Thank you once again. Thank you so much. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and never miss an update on Film Interactions.